नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। आज हम आपको बताएंगे जो मशरूम की खेती होती है, जिसे हम खुम्बी भी कहते हैं, वो आप उसका बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने एरिया में वो खुम्बी की फसल लगती है, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट होता है, कितना रिटर्न मिलता है, सभी इन्फॉर्मेशन आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आज हमारे साथ दलबीर सिंह जी है और उनसे करेंगे बात कि उन्होंने कब से ये काम स्टार्ट किया है और इसमें कितना मुनाफा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सर। सर, जो ये मशरूम की जो फसल है, अगर बात की जाए सबसे पहले की लागत की, इस पर इन्वेस्टमेंट कितना होता है सर, थोड़ा सा बताओगे हमारे व्यूअर्स को, यदि कोई छोटे से कमरे से स्टार्ट करना चाहे तो। आप कम से कम लागत लगा के ये काम शुरू कर सकते हो, 20,000 30,000 40,000 रुपये लगा के आप ये काम शुरू कर सकते हो जी। स्पेस की भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई कमरा खाली पड़ा हो, कोई जगह पुराना मकान हो जी, या कोई अपना झोपड़ी लगा रखी हो जी, जी। आप उसमें भी सीजनल कर सकते हो जी जी। लेकिन आप अगर एसी का करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 24 घंटे लाइट चाहिएगी जी जी, और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा आता है, जैसे 20-30 लाख रुपए लगा के आप एसी वाला फार्म भी बढ़िया से लगा सकते हैं। वैसे बात की जाए फसल की, मशरूम की जो फसल है, किस सीजन में ज्यादा होती है सर? मशरूम सीजनल सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सीजनल, वैसे तो आप जब एसी फार्म लगाते हो जी, तो हम इसमें 30 दिन में जब हम ये खाद तैयार कर दिया, एक बार कंपोस्ट बोलते हैं इसको, कंपोस्ट जब एक बार आपने तैयार कर दिया जी जी, वो 35 दिन के बाद में प्रोडक्शन देना शुरू करता है। कंपोस्ट तैयार करने में 35 दिन में फसल, 35 दिन में फसल कंपोस्ट तैयार करके आपने कमरे के अंदर रख दिया जी, 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखना होता है जी जी। टेम्परेचर मेंटेन करके करना होता है, जब आपको फसल तैयार होगी लगेगी उस टाइम अलग टेम्परेचर है जी, उस टाइम 14 से 16 बेस्ट है जी, 12 से 18 के बीच में खुम्बी लगती है जी जी। लेकिन जब आप कंपोस्ट तैयार करके कमरे में रखते हो उस टाइम पे माइसलिन को फैलने के लिए जी जी, इसका टेम्परेचर चाहिए होता है 22 से 25 का जी 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 जी। तो दो टाइप के टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पहले 35 दिन तक आपको 22 से 25 का टेम्परेचर रखना होगा जी जी, जिसमें इसका माइसलिन, ये देखो जी जी, ये जो माइसलिन है ये वाइटनेस है, पहले जो कंपोस्ट होता है ब्लैक कलर का तैयार होता है, जब इसको हम गलाते हैं, इसको तैयार करते हैं जी, उसके बाद में व्हाइट हो जाता है जी जी जी। तो ये जब जब व्हाइट होने लगता है तो आपका फैलना शुरू हो गया जी जी, 20 दिन बाद में इसके ऊपर ये अलग से जी कोकोपीट का या 3 साल पुराने कॉपर का जी 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 जी, 1 से 1.25 इंची जी, इसके ऊपर आप लगाते हैं टॉपिंग जी जी। टॉपिंग लगाने के बाद में जब पानी देना शुरू करते हैं और टेम्परेचर को डाउन करते हैं जी जी, तो मशरूम लगना शुरू हो जाती है जी जी जी। जी सर, बात की जाए ये जो खाद तैयार होती है, इसमें कितना कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कितना कुछ खर्चा इसमें लगता है जो इसकी जो खाद तैयार, खाद अगर हम खुद तैयार करते हैं तो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये बनी बनाई मिल जाती है हमें 8 रुपए किलो के हिसाब से, 8 रुपए किलो के हिसाब से, हाँ, बीज मिला हुआ सारा बना बनाया जी जी, हमारे पास में मिल जाएगा आपको जी। तो ये सर, ये बैग के हिसाब से तैयार करना पड़ता है क्या माल, क्या कुछ क्या कुछ कैसे सिस्टम, जैसे आपने बैग तैयार किए हैं? ये ओपन में तैयार होता है सर जी, आप जो भूसा लेके जी जी, और उस भूसे को पानी में भिगो के उसमें कई आइटम डालने होते हैं, जैसे यूरिया है अपना, DAP है जी, उसके बाद में चोकर है जी जी, और कुछ मुर्गी की बीट जी जी, वुड मिला के जी, और फिर इसको 28 दिन में आपको 8 बार पलटे देना होते हैं जी जी। हम इसको पलटा दोगे तो इसमें से जो अदर कोई भी इसमें फंगस है वो निकल जाएगा, क्योंकि जब ये आप भिगो के इसको रखोगे जी जी, तो इसमें हीट पैदा होती है 80 डिग्री की जी जी, जिससे अदर कोई भी वो है अपना फंगस है वो निकल जाता है। यदि कोई व्यूअर्स मतलब आपसे लेना चाहे तो आपसे ले सकता है ये खाद भी, हाँ, बनी बनाई तैयार खाद आपको बने बनाए तैयार मिल जाएगी। तो सर, आप कब से ये काम कर रहे हो खुम्बी का? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल हो गए, हाँ जी। तो आपने पहले कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और कहाँ से स्टार्ट किया था सर, थोड़ा सा? शुरू में मैंने 40,000 रुपए लगा के शुरू किया था जी जी, और मैं बने बनाए बैग लाया था कंडेला से जी जी, और उसके बाद अभी हमने अपने खुद कंपोस्ट बनाते हैं जी, और अपना अभी हमने 6 कमरे लगा लिए। आप सर, आपने जब 1 कमरे से स्टार्ट किया तो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था और कितना आपको रिटर्न मिला, थोड़ा बताओगे सर हमारे व्यूअर्स को? हमने इसमें 65,000 रुपये टोटल रिटर्न हुआ, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था जी, लेकिन हमारा उस टाइम पर 2.25 लाख रुपए की हमारे को मशरूम पैदा हुई थी, 2.25 लाख रुपए की मशरूम पैदा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो कुछ तो, जैसे अपना शेड है जी जो हमने बनाया था जी जी, वो तो आपका परमानेंट हो जाता है जी जी जी। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी इसमें 45,000 जो खाद और बीज के रूप में लगी थी जी जी, और उसका हमारे को ये कम से कम 3 गुना रिटर्न आपको मिल गया था। कितने दिन में रिटर्न मिला था सर ये आपको 3 गुना? ये 3 गुना 2 महीने के अंदर मिल गया, 2 महीने में रिटर्न मिल गया था। हाँ। तो फौजी साहब ने जो है पहले कमरे से शुरुआत की थी, और एक बहुत बड़ा जो है फॉर्म ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक ये सिर्फ एक कमरा है, ऐसे ऐसे 6-7 कमरे फौजी साहब ने भी तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छा जो है रिटर्न ये अभी ले रहे हैं,
और सर यहाँ क्या ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर कोई व्यूअर तुम्हारा आना चाहता है तो? ट्रेनिंग अभी तो मुरथल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ बेस्ट है, बाकी हम जितने भी अपने साथी हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और उनको घर जाके बता के भी आते हैं जी 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 जी, और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये जो इसकी जैसे ये तो बात होगी अपनी इसकी खाद की, कोई आपसे मशरूम का जो एक कच्चा बीज कहते हैं हमारी बात में जी, कोई कच्चा माल बोलते हैं या मशरूम की जो फसल का जो बीज लेना चाहता है वो क्या आप प्रोवाइड करवा देते हो? हाँ प्रोवाइड करा देते हैं सर, प्रोवाइड करा देते हैं। अब कंपोस्ट चाहिए, बीज चाहिए, जो भी चाहिए और जिस टाइप की मदद चाहिए फोन पे या कैसे भी जी जी, मेरा फोन नंबर आप इसमें डाल देना जी जी, और हर बंदे को हम सपोर्ट करेंगे जी जी। मतलब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो वो आपसे फोन करके ले सकते हैं? फोन करके किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी हो। यहाँ भी 5-6 आदमियों को हमने, एक तो नरेंद्र जागलान है जी जी, एक छानना में लगा रखी है जी जी, इनको सबको हमने खुद प्रोवाइड की, रामनिवास है जी जी, इनको सबको जींद में हमने प्रोवाइड कराई है। मतलब आप प्रेफर करते हो कि ये बिजनेस करोगे तो अच्छा रिटर्न हो जाता है? अभी मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर में जी इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं है जी जी। जैसे ये वैसे तो सर्दी की फसल मानी जाती है सर, सर्दी में ज्यादा होती है बोलते हैं फसल, सर्दी में ज्यादा होती है, गर्मी में एसी वगैरह लगाना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे की बात की जाए, अभी तो जैसे खुले में लगा हुआ है क्योंकि सर्दी का सीजन है, इस कमरे को भी पूरा एसी से प्रोवाइड किया जाए, इतना इसमें फसल पैदावार की जाए तो इस पर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? जैसे कितने बाई कितने का ये रूम है आप थोड़ा सा बताओगे? ये अपने 50x20 के 5 कमरे हैं जी, और इस पे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना इस पे रिटर्न आप सोचते हो कि हो जाएगा? इसमें हमने अभी 1,20,000 रुपए लगाए थे जी, और हमारे करीबन 3.5 लाख रुपए निकलाएंगे, रिटर्न आ चुका है, रिटर्न आ चुका है। और अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू है? कंटिन्यू है, फरवरी जब तक टेम्परेचर रहेगा तब तक चलेगा। जो सीजनल है, जो सर्दी का है, वो आपका टेम्परेचर जो बाई गॉड गिफ्ट है जी जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो आप एसी लगाते हो जी, वो आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितने बढ़िया से उसको मैनेज कर सकते हो जी जी। तो ऐसा नहीं है कि सीजनली अच्छी है, आप एसी में भी अच्छी इनकम ले सकते हो, ले सकते हैं, मतलब सर्दी गर्मी सीजनेबल ले सकते हैं। जैसे सर ये बैग है, इस बैग पे अपने वो लगा दी, फसल लगा दी, इसका जो मशरूम का बीज डाल दिया हमने, तो डालने के कितने दिन में वो तैयार हो जाता है? मशरूम डालने के 35 दिन बाद मशरूम का बीज डाल के आपने जब कमरे के अंदर रख दिया जी, 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 20 दिन बाद में इसमें टोपिन लगाते हैं जी, उसके 15 दिन बाद यानी कि 35 डेज में आपको प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। जैसे सर एक बार आपने फसल इसकी काट ली, फॉर एग्जांपल एक बैग में आपने इसकी फसल पूरी होगी तैयार होगी वो काट ली, तो फिर वो दोबारा कितने दिन में इसी बैग में आ जाती है? एक बैग में तो बात मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ, जैसे बरसिम है जी, वो तो बल्कि ऐसे फूटती है जी, ये बरसिम की तरह ही आपने आज जैसे ये एक इस बैग के ऊपर जी ये कंटिन्यू चलती रहती है, इसका कोई ब्रेक नहीं है जी, एक दिन का भी ब्रेक नहीं आता, रोजाना आप जैसे आपकी बैग की कैपेसिटी के हिसाब से जी जी मशरूम आती रहेगी। हाँ, जैसे ये मशरूम है ये कल पूरी हो जाएगी जी जी, ये 2 दिन बाद में हो जाएंगी, और जो इसमें छोटी दिख रही है जी जी, ये 4-5 दिन बाद में और भी निकलती रहेंगी जी जी। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है? चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस। एक बैग में कितनी बार फसल हो जाती है सर, थोड़ा सा बात की जाए तो? एक बैग में जैसे सीजन में 9-10 फ्लैश आराम से आती है। और जैसे एक बैग में कितना वेट की अगर बात की जाए, कितना वेट निकल जाता है और किस हिसाब से ये मार्केट में बिकती है सर? सीजन में जैसे एक बैग में हम 10 किलो कंपोस्ट डालते हैं जी, सीजनल जो लगाते हैं उसमें 5 किलो तक का मशरूम आ जाती है जी जी। लेकिन अगर हम जब एसी में काम करते हैं जी, तो हम इसको 20 दिन बाद में बैग को थ्रो कर देते हैं जी जी, 20 दिन में ही इसमें 1.5 से 1.5 किलो मशरूम आराम से आ जाती है। तो सर मार्केट में किस रेट में बिकती है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? मार्केट में बिकती है, पैकेट में बिकती है, क्या कुछ इसका? 200-200 ग्राम के पैकेट बनाते हैं जी, और सीजन में तो पैकेट बनते हैं पोलोथीन के जी जी, और नॉर्मल टाइम पे ये इसमें पीनट होते हैं जी हरे टाइप के जी, और उनमें पैक करके हम दिल्ली और अच्छी मार्केट है आजाद नगर मंडी में आप कितना भी माल बेच सकते हो जी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में कि भाई हमारा माल बिके कहाँ जी जी जी, दिल्ली में आप कितना भी माल किसी भी टाइम बेच सकते हो जी, हर टाइम मार्केट में इसकी पूरी खपत है, पूरी खपत है, मतलब कमी पड़ जाता है, मतलब इसकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती और वो बढ़ती जा रही है जी जी, क्योंकि ये बिजनेस है ग्रोइंग में है जी जी जी, और इसकी अभी जो मांग है इंडिया में बढ़ती जा रही है और पूर्ति नहीं हो रही है। एक इसको एक हेल्दी फूड के रूप में भी कहा जा रहा है कि ये बहुत हेल्दी फूड, इसके बारे में क्या? इसमें आपको 9% प्रोटीन मिलता है जी जी, जो अंडे और मीट के बराबर है जी 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 जी, और ये वेजिटेबल है ना कि मीट है जी जी जी, तो इसलिए और ये डाइजेस्टिव है जी, बाकी चीजें आपको हजम करने में जी जी उसमें दिक्कत आती है, ये आपको आराम से हजम भी हो जाती है जी जी जी, बहुत ही ताकतवर और बढ़िया चीज है। सर बात की जाए, एक्चुअली मैंने पहले देखा है खुम्बी का जो बिजनेस है, मैंने देखा है जैसे कई स्टैंड वगैरह लगा के कमरे में करते हैं उसको शुरू, आपने ओपन में किया हुआ है,
ओपन में और जो स्टैंड में लगाए करते, उसमें क्या फर्क होता है, उसमें कुछ मुनाफे में फर्क पड़ता है क्या, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ, उसमें कम जगह में आप ज्यादा काम कर सकते हो। हम भी स्टैंड बना रहे, आपको देखा दिखा रहा था पीछे जो वेल्डिंग चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, जो दो काम चला हुआ है। हाँ, जी, अभी हमारे पास यहाँ थोड़ा ये सीजन निकल रहा था हमारा और हमारे पास टाइम नहीं था कि स्टैंड लगा के तैयार करें, इसलिए हमने और इस बार हमने काम थोड़ा सा मतलब बढ़ाने के लिए इसमें ओपन ही रख दिया था हमने। तो इसको कैसे भी आप रख के काम कर सकते हो, इसमें 20-20 इंच के ऊपर, 20 इंच के ऊपर आप 6 रैक, 7 रैक, 8 रैक, 9 रैक, 10 रैक कितने भी लगा सकते हो, ऐसे जैसे आप चाहिए में लगा सकते हैं, जैसे कमरे में कमरे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एक कमरे की आपकी जितनी हाइट है, अगर आपका 16 फीट का कमरा है हाइट का, तो आप लगा सकते हो उसमें 7 रैक, 20 फीट का है तो आप 9 रैक लगा सकते हो, 12 फीट का है तो आप 5 से 6 रैक लगा सकते हो। तो उसमें पैदावार में कुछ फर्क नहीं पड़ता सर? पैदावार सेम आएगी आपको, और इसमें आपको एक कमरे में कम जगह पे ज्यादा काम कर सकते हो आप। जी जी, तो आप एक छोटे से कमरे में रैक लगा के भी इसको कर सकते हो। सर ने जैसे ओपन में किया हुआ है, आप एक छोटे से कमरे में रैक लगा कर भी अच्छी जो मुनाफा यहाँ से ले सकते हो। तो सर ये तो बात होगी, जैसे हमने प्लांट लगा लिया, यदि कोई जैसे ये खेती जो है, जैसे बोलते हैं नॉर्मल रूप से किसान खेती करता है, क्या कोई जैसे शहर में रहने वाला इंसान भी इस खेती को कर सकता है क्या, कोई यदि करना चाहे तो? शहर में रहने वाला आदमी अगर उसके पास में स्पेयर रूम है जी, और जो खाली पड़े हों उनमें लगा के भी, मैंने अपना शुरू जो किया था वो शहर में पटियाला चौक पे जींद में अपना एक अंडरग्राउंड कमरा था, उससे शुरू किया था जी जी जी, और वहीं से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली और जैसे सीखता गया आगे बढ़ता गया। मतलब एक कोई तो आम इंसान भी इसको लगा सकता है? आम इंसान कोई भी आदमी लगा सकता है और कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू कर सकता है। जी जी। जैसे मैंने 40 से शुरू किया था, 20 से भी, 10 से भी शुरू कर सकता है। जी जी। और कईयों ने किया भी है। सर एक मेहनत की बात की जाए थोड़ा सा, इसमें मेहनत कितनी लगती है थोड़ा सा बताओगे हमारे व्यूअर्स को? मेहनत तो इसमें काफी लगती है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम एक तो पानी का जी, और एक इसमें आप जैसे टेम्परेचर का जी, 24 घंटे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी, और खुम्बी तोड़ के और पैक करके, जैसे आप छोटे स्केल में है जी, तो भी अगर आप जैसे 20-30 किलो खुम्बी भी है तो आप एक आदमी के लिए सफिशियंट काम है। जी जी, मतलब एक आदमी को परमानेंट चाहिए, परमानेंट चाहिए, चाहिए। जैसे जितनी भी आपने फसल लगाई उस हिसाब से एक या दो तीन आदमी जरूरत पड़ेगी एक आदमी। हाँ, जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आदमियों की जरूरत बढ़ती जाएगी। जी जी, अगर आपका 300 से 400 किलो अगर मशरूम लग रही है जी, तो आपको 4 से 5 आदमी कम से कम चाहिए। जी जी जी, तो पानी की बात की जाए, इसमें कितना पानी इन्वेस्टमेंट होता है, कितना इसमें पानी लगता है थोड़ा सा बताओगे? पानी इसमें जैसे आपके 100 बैग हैं जी, 100 बैग के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ जी, 100 बैग में आपको 30 से 40 लीटर पानी डेली लगेगा। 30 से 40 लीटर 100 बैग में पानी इतना लगेगा जब तक आपका प्रोडक्शन आएगा, मतलब इसको गीला रखना पड़ता है। हाँ, प्रोडक्शन अगर डाउन हो जाता है जी, तो उसी हिसाब से आप अपना पानी भी थोड़ा बहुत जी कम लगेगा। जी जी जी, तो मुझे पानी भी प्रॉपर रूप से इसमें चाहिए है और इसको पूरी देखभाल की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही आप इसको लगा सकते हो। मतलब कोई किसान के अलावा नॉर्मल इंसान यदि लगाना चाहे तो लगा सकता है? कोई भी आदमी बड़ा आसानी से जी, हम मदद करेंगे जी, कोई भी आदमी बड़ा आसानी से इसको पैदा कर सकता है। ये फंगस है जी, अगर ये खेती नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी 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 जी, सबसे आसान और सबसे बढ़िया जी मशरूम की खेती लगी मेरे को। जी जी जी, क्योंकि बाकियों में आपको कीड़े मकोड़े और उनका है, इसमें सिर्फ 2-3 दवाइयां हैं जी, और कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मरथल से आप जब भी फोन करोगे जी जी, डॉक्टर खुद आके पूरी टीम आपको आके जी जी सपोर्ट करती है जी। ये बात होगी सर, हमने इन्वेस्टमेंट किया, आपने किया, जो भी है, एक ऑन एवरेज बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अपने से लेके चलूं, मैंने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रॉपर रूप से इसकी देखभाल की, तो मुझे 1 साल की या 1 महीने की, फॉर एग्जांपल 1 साल की बात की जाए, 1 लाख रुपए मैंने इस पे लगा दिया, तो रिटर्न कितना मिलेगा सर 1 साल में? 1 लाख रुपए मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए लगा के आप सीजनल कर सकते हो जी, और सीजनल में आपको अगर कंपोस्ट बनी बनाई लेते हो जी, तो आपको 1 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए के आसपास में 3 गुना मुनाफा इसमें है। जी जी। और अगर आप कंपोस्ट खुद बनाते हो जी, तो 1 लाख रुपए में आपको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। जी जी, कंपोस्ट खुद बनाते हो तो जी जी, जो ये बैग ये तैयार जो होते हैं, हाँ, खुद अगर आपने घर में तैयार करते हो आप, कोई बड़ा मेथड नहीं है जी, इसकी बुक भी आती है और हम भी बता देते हैं जी जी, और अगर खुद आप कंपोस्ट तैयार करते हो तो 1 लाख के आप 4 लाख रुपए पूरे सीजन में बना सकते हो। जी जी, ये देखा आपने कि मशरूम किस प्रकार लगती है और कितनी फसल होती है, कितना आपको रिटर्न मिलता है, और यदि आप चाहते हो इस प्रकार की कोई भी फसल लगाना, तो सर का जो है पूरा एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और यदि आप चाहते हो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।